बिल्कुल फेल हुई है, जीरो में से जीरो। ना कोई रोजगार मिला है ना ही, और महंगाई, सरसों का तेल 150 के पार, महंगाई सबसे ज्यादा, किसान परेशान, हर आदमी परेशान। तेल तिलन में से निकलेगा न कि वामे से पीड़न में से निकल रहो। नाम बताइए, नाम बताइए। जैसे मेरा नाम ओमकार सिंह है। तेल निकलता है तिल में से, और जब तिल हमारा 100 रुपया किलो बिक रहा है, 500 रुपया किलो बिक रहा है, तो तेल किस भाव जाएगा भाई, मेरे बता तो सही। 5 साल में बीजेपी सरकार ने वो कुछ करके दिखला दिया जो निकम्मी 70 साल तक राज्य करने वाली सरकारों ने नहीं दिखाया। तो योगी जी चिंता ना करें, पुनः फिर आ रहे हैं योगी जी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं Time 24 News। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीति हर गली में गरमाई हुई है। इसी का रियलिटी चेक करने के लिए बुलंदशहर से Time 24 News की टीम आपको बताएगी कि जनपद बुलंदशहर में चुनावों का हाल क्या है, क्या इस बार मुद्दे रहेंगे, कौन सा चेहरा जनता के लिए खास होने वाला है मुख्यमंत्री के तौर पर। सबसे पहले मुद्दे उठा लेते हैं, क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के। तेल और डीजल इनके दाम बढ़ा दिए हैं और राशन फ्री कर दिया है। आपका क्या नाम है आपका? वो मेरा नाम धीरेन्द्र पाल सिंह है जी, और मैं एक सक्रिय भाजपा का संगठन का कार्यकर्ता। ये पार्टी से ही है, ये सत्ताधारी पार्टी जो अभी रह के गई है यूपी में उसी से है। ये बहुत कुछ बताने वाले हैं, इनसे जानकारी करके जरूर जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए, आपकी सरकार ने 5 साल में क्या क्या किया है लोगों के लिए? 5 साल में बीजेपी सरकार ने वो कुछ करके दिखला दिया जो निकम्मी 70 साल तक राज्य करने वाली सरकारों ने नहीं दिखाया आज तक। 70 साल वाली सरकार यूपी में नहीं रही थी? नहीं, हम तो यो कह रहे हैं, बाकी तो 10-10 और 5-5 साल तो कर गए। ये लफंगे, बेईमान, चोर, लुटेरे, जितने भी सपा सरकार के रहे गुंडे, आज सलाखों के पीछे कर दिए योगी जी ने। तो योगी जी चिंता ना करें, पुनः फिर आ रहे हैं योगी जी। कानून व्यवस्था मानते बेहतर हुई है, फिर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था मानते बेहतर हुई है, धमाकेदार व्यवस्था। और तो रोजगार पहले लेते हैं, युवा रोजगार, जिंदाबाद। रोजगार पर बात करते हैं, यहाँ 5 साल भाजपा की सरकार रही, रोजगार, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर सरकार कितनी कामयाब रही है, कितने नंबर देना चाहेंगे? बिल्कुल फेल हुई है, जीरो में से जीरो। किस तरह से, जरा कैमरे पे बताइए आप। बिल्कुल फेल रही है, ना कोई रोजगार मिला है ना ही, और महंगाई, सरसों का तेल 150 के पार, महंगाई सबसे ज्यादा, किसान परेशान, हर आदमी परेशान इस सरकार। रोजगार में बताइएगा, रोजगार मिला ही नहीं है। हाँ जी, आप पढ़े लिखे हैं जी? कितने? मैंने बीए कर रखी है। बीए कर रखी है जी। आपने कभी अप्लाई किया नौकरी के लिए? बहुत अप्लाई करा, फॉरेस्ट विभाग में मैंने 2019 में अप्लाई करा था। अच्छा। 2017 में आई, आज तक उसका एडमिट कार्ड नहीं आया। ये वो युवा है जो पढ़ने लिखने के बाद भी कह रहे हैं कि अभी हमें रोजगार नहीं मिल पाया है, सरकार रोजगार में फेल रही है। किसान हमारे साथ मौजूद है, किसानों से जानते हैं कि क्या मुद्दे रहे। तेल तिलन में से निकलेगा न कि वामे से पीड़न में से निकल रहो। नाम बताइए, नाम बताइए। जैसे मेरा नाम ओमकार सिंह है। ओमकार, तेल निकलता है तिल में से, और जब तिल हमारा 100 रुपया किलो बिक रहा है, 500 रुपया किलो बिक रहा है, तो तेल किस भाव जाएगा भाई, मेरे बता तो सही। तुमने कितनी सरसों की पहले? 9,000 रुपया क्विंटल के तो सरसों के गिन गिन के थूक लगा के, बड़ा आनंद आ रहा। तेल गाय में तो निकलेगो। तो ये कह रहे हैं कि सरसों महंगी हुई तो तेल भी महंगा हुआ, तिल महंगा हुआ, तेल भी महंगा हुआ। ये हमारे साथ किसान नेता हैं, इनसे भी जानकारी करेंगे, स्थानीय मुद्दे क्या रहे हैं, आप क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं किसानों के मुद्दे को लेकर, सरकार कितनी कामयाब रही 5 साल के कार्यकाल में? देखो, मैं आपको बताऊं भाई साहब कि मैंने अभी भाई दोनों की बात सुनना था। देखो, ऐसा है कि जो खाली 200 रुपया कृषि पर निर्भर है, जो कृषि पर निर्भर है वो बहुत परेशान रहा है। अच्छा, जो कृषि पर निर्भर है वो बहुत परेशान रहा है। जैसे इस सरकार में जो बिजली के बिलों ने किसानों की कमर तोड़ दी है, आप अगर आप एक काम करना, आप खुड़जई क्षेत्र की, बुलंदशहर क्षेत्र की एक ITI मांग लो। देखो, मैं बिल्कुल टेक्निकल बात बताऊंगा मैं आपको, आप ITI मांग लो, ITI में आप देखना 75% किसानों की RC कटी पड़ी होंगी। अच्छा, बिजली के बिलों के कारण, समझ रहे हैं, सबसे मेन समस्या। इस पर जो सरकार को सोचना चाहिए। योगी सरकार बिल्कुल फेल रही है, इनका कहना है कि किसान, उत्तर प्रदेश में जो किसान है
वो कृषि पर निर्भर करते हैं, जो ऐसे किसान हैं वो बहुत प्रभावित हुए हैं बढ़ते बिजली के दाम से या और महंगाई से, जैसे डीजल। जी भैया जी, एक युवा और हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप मुझे, आप गांव से हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए, गौकशी की वारदातें रुकी क्षेत्र में? गौकशी की समस्या जरूर है, लेकिन है अभी समस्या है जी। और छुट्टा गौवंश की नहीं, सॉरी गौकशी नहीं है, सॉरी ये जो छुट्टा आवारा पशु जो है इनकी समस्या है, लेकिन इसका कारण भी है सर। केवल आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के आप केवल उनके मतलब उन्हीं को दोष नहीं ठहरा सकते। कारण क्या है, आप किसी भी समाज में पूछ लीजिए, जितनी पब्लिक खड़ी है, गाय दूध दे रही है, दे रही है दे रही है, जब देखिए दूध नहीं दे रही है, गर्भाधान नहीं हो पाया तो लात मार डंडा मार के भगा दिया। अब योगी अपने घर में बांध ले, बताइए। योगी जी ने स्थाई गौशाला बनवाई थी? नहीं, स्थाई गौशाला बनवाई थी, लेकिन इतनी पूर्ति नहीं हो पाती है कि हर घर में से गौशाला वो गाय को धक्का लगा दिया जाए। ये तो समस्या ही हो गई, समाधान तो कुछ नहीं था। नहीं, कुछ आवारा पशुओं की समस्या है सर, जो समस्या है वो है, लेकिन अभी भैया बिजली के बिल की कह रहे थे, 2017 से पहले यूपी में जो हाल था, रात को 11-12 बजे आप सो गए, बिजली आ गई, और जब आँख खुली आपको बिजली चली गई। आज बिजली देख लीजिए, अभी स्विच ऑन करके देख लीजिए, लाइट मिलेगी उत्तर प्रदेश में। आई बात 2400 घंटे जब आप बिजली का उपयोग करेंगे तो बिल तो थोड़ा बढ़ के आएगा ही, बिजली बिल तो थोड़ा बढ़ के आएगा, लेकिन जैसे ही जैसे किसानों के मुद्दे ये मुद्दे गरमा रहे हैं, अब वोट होना है, चुनाव होना है, तो भाजपा भी कह रही है कि बिजली फ्री देंगे, सपा भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है। भाजपा को तो एक मजबूरी हो जाती है, क्या है मजबूरी, जब आपके अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे, ठीक है, और फ्री का एक चस्का सा लगता जा रहा है। सरकार जब सत्ता में रही थी तब भी तो वो फ्री दे सकती थी। हाँ, वही तो अखिलेश यादव से पूछिए ना। नहीं, योगी सरकार सत्ता में रही थी, इससे पहले भी वो ऐलान कर सकती थी। सर, ऐलान तो चुनावी मुद्दे के लिए कुछ किया जाता है, चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, बिजली फ्री देने का ऐलान केवल चुनावी मुद्दा है। आप मुझे बताइए सपा ही क्यों? हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले डर गए ना हमारे राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव से, सबसे पहला मुद्दा जो 300 यूनिट बिजली फ्री। नहीं तो सपा ही क्यों, समाजवादी पार्टी हर वर्ग हर जाति को साथ में लेकर चलती है, इसलिए ही सपा इनका हर वर्ग को लेकर चलती है। दादा देखो, कि बिजली की जो बात कह रहे कहाँ, ये बिजली की जो बात कह रहे कहाँ, यहाँ सुन लो। देखो आज यहाँ हमारा ट्रांसफार्मर फूक जाए, बिजली आ रही है 24 घंटा, और वहाँ में एक फोन कर दो, तुम 2-3 दिन में तुम्हारा ट्रांसफार्मर फ्री में आएगा, वही बिजली वाले लगा जाएंगे 2-3 दिन में। मेरे गांव के ट्रांसफार्मर पे तसल्ली कर ले, तेरे 10 दिन है यानी सूचना ना दे जाके सोच ले। परंतु पहले सपा सरकार में हर घर से कुछ रुपया इकट्ठे करे जाए, और जब उनको घूस दी जाए तब मुश्किल से ट्रांसफार्मर आवे, ये स्थिति पहले रिश्वत के ले जाए, घर घर से पैसा इकट्ठे हुए पहले सपा की सरकार में, और आज जो है फ्री में ट्रांसफार्मर आ रहे हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि पहले सपा की सरकार में कई कई दिन लग जाते थे ट्रांसफार्मर बदलने से, अब 48 घंटे में बदल दिए जाते हैं। पहले तो मैं दोनों को बताऊं, इनको चोर चोर मौसेरे भाई, हम ही बस समझ रहे हैं। अच्छा, उनकी बात यानी सपा और भाजपा, उनकी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने अभी एक बात कही है कि 70-70 रुपये घर घर से जा गए, जब ट्रांसफार्मर आता था वो कह रहे हैं कि अब एक कॉल करो तो ट्रांसफार्मर आ जाता है ना। बिल्कुल, मैं दोनों की बात से सहमत हूँ। मैं दोनों की बात से सहमत हूँ, उस पर मैं नहीं करूंगा। सुनो मेरी बात, मगर मैं दोनों से हमारे लिए तो दोनों राजा हैं भैया। मैं दोनों योगी और अखिलेश थे, मैं किसान झोली फैला के भैया, एक किसान की एक तुम ग्रेड तय कर दो। मैं बस समझ रहे हो, मैं फिर कह रहा हूँ कि ना समझ रहे, क्योंकि ये लंबे किसान है, किसान में वो उसे मानना हूँ जो 7 या 8 बीघे वाला किसान है। मैं फिर कह रहा हूँ उनसे, मैं झोली फैला के फिर दोनों सरकारों से कह रहा हूँ, बहस करने नहीं आया, कि आप कोई आर्थिक स्थिति पे ऐसा कानून ले आओ कि जिससे जो बेचारा 4 बीघा या 5 बीघा वा रहा है उसे बिजली की वजह से उसकी जमीन ना बिके। मतलब किसान आयोग का गठन टाइप जैसे अभी मुद्दे उठाए थे आपने, बिल्कुल किसानों के हित में किसानों के हित में फैसला लेना भी चाहिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ कृषि सबसे ज्यादा है, और कृषि को लेकर ही यहाँ पर लोग राजनीति तय करते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ज्यादा है, करीब 70-80% यहाँ किसान माने जाते हैं, जो राजनीति का भविष्य तय करते हैं, और यूपी की राजनीति देश की दिशा और दशा तय करती है। अब मुझे बताइए योगी ही क्यों स्पष्ट बात में नारा है हमारे देश के अंदर, मोदी योगी की जोड़ी। योगी जी को तो खुद भाजपा दरकिनार कर रही है। कौन कहता है जी वापस गोरखपुर चले गए मीडिया। भैया पुनः योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनने जा रहे हैं, धमाके। भाजपा ने, भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य समेत छोड़ दूंगा दर्जनों विधायक ऐसे थे जो
भाजपा को छोड़कर चले गए ये कहकर कि दलितों का सम्मान नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं ऐसे भेड़िए भूखे भेड़िए कितने ही निकलते कितने आते मुझे जाते ये बताइए, भाजपा के कई सारे विधायक और मंत्री ये कहकर चले गए कि दलितों का इस पार्टी में सम्मान नहीं है। अरे देखो क्या? दलितों का ओबीसी का जनाधार इस पार्टी में कितना दिन प्रतिदिन स्केल बढ़ता जा रहा है। अच्छा आप चैनल पर बैठिए जो भी मेरे साथ आप बताइए इतने भी विधायक सर टिकट वो अब बीजेपी छोड़कर गए मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी उन सब की पोल खुल चुकी है। क्या करें क्या था एक तो उनमें से अधिकांश लोगों की टिकट कटने वाली थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे वो भाजपा ने मना कर दिया है कि सरकार के जो मंत्री है सरकार उनकी सुनती ही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य सांसद खुद कहते हैं कि मैं अपने घर के आगे की सड़क नहीं बनवा सकता। विधायक खुद कहते हैं कि मैं अपने थाने से लोगों को नहीं छुड़वा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को केवल कुछ समय ही रह गया चुनाव के तभी जाकर दलित शोषण याद आया है। उससे पहले 5 साल में कोई दलित शोषण नहीं था। वो इनका, भी दलितों की मसीहा है। इनका कहना है कि दलितों को अभी याद आया है ये चुनावी मुद्दा है जो सपा भाजपा से छोड़कर चले गए नेता वो उन्हें अब चुनाव के टाइम पे याद आया ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो जी मेरा कहने का विचार तो ये है कि हवा बदल रही है। अच्छा परिवर्तन चाह रही है जनता। जब ये देखते है कि इस पेड़ पे आम नहीं खाने तो दूसरे पेड़ पे भाग रहे हैं तो समाजवादी आ रही है टूट के उसी में जा रहे हैं। प्रधान जी को शायद इस बात का भी आभास नहीं है या ये टीवी नहीं देखा है। जितने भी विधायक मंत्री भाजपा को छोड़ के उनकी पोल खुल गई है अधिकांश की टिकट कटी रही थी और वो अपना देख रहे हैं कि क्या करें। और देखिए MY जो समीकरण दोनों मिक्सर हुआ है मुस्लिम और यादव का उन्हें लग रहा है कि अगर उसी विधानसभा से हमें टिकट मिल गई स्वामी प्रसाद मौर्य को हमारी हार निश्चित है तो इसलिए कारण यही था। अभी प्रधान जी कर रही है समाजवादी पार्टी 300 पार कर रही है कोई शांति नहीं है भाई साहब। ये बिल्कुल कौन से समय में आप मुझे बताइए युवा रोजगार में कितनी कामयाब रही सरकार? देखिए रोजगार के मामले एक मिनट बोल दो आप बोल दो। रोजगार के मामले में कोई भी सरकार कम नहीं है। मैं आपको बता दूं 2011 में मायावती का लास्ट टाइम चल रहा था तब हम लोगों ने टीचिंग लाइन में अप्लाई किया था। मायावती उसी टाइम पे हट गई अखिलेश जी आए एक एक कैंडिडेट ने 37,000 रुपए के फॉर्म भरे गए जो 500 रुपए पर डिस्ट्रिक्ट भरा गया था लेकिन आज तक उस बेस पे भर्ती की नहीं गई। अब इसके योगी जी के राज में वो भर्ती की गई है तो वो उसी बेस पे की गई है 2011 के। तो एक आदमी एक कैंडिडेट 50,000 का इंतजाम उसने कहाँ से किया होगा और उसकी मानो नियुक्ति नहीं हुई तो वो तो बिल्कुल बेकार हो गया बेचारा। तो क्या मानते हैं आप कैसा रहा रोजगार शिक्षा भर्ती और गरीबों को रोजगार युवाओं को रोजगार पढ़े लिखों को रोजगार रोजगार ही रोजगार हुआ था चुनाव में आने से पहले कहाँ गया वो? ऐसा रोजगार में जो भर्तियाँ निकलती हैं कोई कंप्लीट होती नहीं है। हर कंपनी में आप एक एग्जाम देखो आप देखते होगे कि कोई वहाँ वो पेपर आउट हो गया वहाँ वो पेपर आउट हो गया मतलब एक भर्ती को इतना लटका के चलते हैं केवल अब चुनावी समय आया है तो उस पर थोड़ा लालच दे दिया जाता है कभी। तो क्या मानते हैं भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा? मैंने आपको पहले बताया अभी मैं बोल रहा था मिला जुला आप मान सकते हैं मिला जुला हाँ कोई राष्ट्रवादी मुद्दे 50-50 चांस दे रहे हैं जी जी मतलब 50% खिलाफत में है तो 50% समर्थन में है। तो ये थी खुर्जा विधानसभा जहां लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार के पास मुद्दे होते हैं जो चुनाव के टाइम निकल के आते हैं। हालांकि कुछ ये कह रहे हैं कि सपा 300 के पार जाएगी कुछ ये कह रहे हैं कि भाजपा 300 के पार जाएगी लेकिन देखना ये होगा कि 10 मार्च को यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। Time24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से मैं हामिद सैफी। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।